बाजार बंद होने में 2 मिनट के आसपास का समय रह गया और इस वक्त हम बाजार को दिन के निचले स्तर पर के आसपास ही कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। 143 अंक नीचे है निफ्टी, 19,245 का स्तर निफ्टी पर। सेंसेक्स की बात करें तो 450 अंकों की गिरावट। निफ्टी बैंक 326 अंक नीचे, 0.25% के आसपास ही कमजोरी यहाँ पर है। तो बिल्कुल कोई फर्क नहीं, अगर परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो तीनों के तीनों इंडेक्स एक समान आज गिरावट दिखा रहे हैं। लेकिन अगर हम पूरे हफ्ते की बात करें तो हफ्ते भर में तक जो रेंज रही है निफ्टी की वो रही है करीब करीब 350 से 400 अंकों की। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो वो रही है 1,100 अंकों के आसपास की ये रेंज रही है। अब जरा शेयरों की बातचीत कर लेते हैं। आज हम देख रहे हैं कि क्लियरली जो जो दबाव बना वो दिग्गजों ने बनाया। रिलायंस वहाँ पर करीब करीब 0.25% से लेकर 1% के आसपास की कमजोरी। HDFC बैंक हमने देखा कि ये शेयर भी 1% से ज़्यादा कमजोर हैं। अब इनको नोटिस करवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वेटेज के लिहाज से बहुत ही अहम है। मेटल स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रही है। JSW स्टील आज 2% ज़्यादा टूटा है। इसके अलावा पावर ग्रिड ITC यहाँ पर भी 2% से ज़्यादा की कमजोरी हम देख रहे हैं। और IT स्टॉक्स का मूड भी आज बाजार में उतना ठीक रहा नहीं। SLCheck में 1.5% के आसपास की कमजोरी दिखी। ITC 443 के आसपास ट्रेड कर रहा है और वहाँ से कमजोरी हम लगातार देख रहे हैं। अगर हम चढ़ने वाले शेयरों की अगर हम लिस्ट देखें तो वहाँ से ज़्यादा आपको कुछ आज संकेत मिलेंगे नहीं, क्योंकि बजाज फिंसर, बजाज फाइनेंस ये शेयर तो लगातार चल रहे हैं। जियो फाइनेंशियल में जब से गिरावट है तब से इन शेयरों का मूड ठीक ठाक है और आज भी हम वो ट्रेंड देख रहे हैं। बजाज फिंसर्व आज निफ्टी का टॉप विनर 2% के आसपास की तेजी के साथ। इसके अलावा बजाज फिंसर्व में भी तेजी है, बजाज फाइनेंस में माफ कीजिएगा, और एशियन पेंट्स लगातार दूसरे सत्र में यहाँ पर हम तेजी देख रहे हैं। आज वायदा बाजार के कुछ खिलाड़ी बहुत ही धमाकेदार एक्शन। सुबह के सत्र में आपको डिम्पी ने नोटिस करवाया था इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, वहां पर 8.5% की बड़ी तेजी के साथ आज क्लोजिंग होने जा रही है। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया, उस पर हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आपको ऑप्शंस में ट्रेड करने की सलाह मिली थी और ये शेयर हालांकि इन्होंने जून के महीने में जो TRAI के जो डेटा आए थे 19 लाख अपने कस्टमर गंवाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये ट्रेडर्स के ग्रिप में ये शेयर है। 8.5-9% के आसपास की तेजी आज हम वोडाफोन आइडिया के शेयर में देख रहे हैं। सन टीवी लगातार चल रहा है, 3.5% तेजी आज भी है। एस्कॉर्ट्स रिकॉर्ड हाइस पर ये शेयर है, 2.5% के मूव्स आज भी, 3,000 रुपये के ऊपर जाकर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो GMR इंफ्रा जो कि लगातार चला था 65 रुपये के ऊपर ये शेयर निकला था, आज 5% की गिरावट वहां पर है। L&T फाइनेंस अंबुजा 3.5% के आसपास की कमजोरी और M&M फाइनेंस में भी हम देख रहे हैं कि 3% के आसपास की कमजोरी हो रही है। तो बाजार आज कमजोरी के साथ हमने क्लोजिंग देखी दिन के निचले स्तरों के आसपास, और अगले हफ्ते के लिए बड़े ट्रिगर्स होंगे रिलायंस की EGM, जिसमें कि जियो फाइनेंशियल को लेकर, जिसमें कि रिलायंस जियो यानी कि टेलीकॉम आर्म को लेकर संकेत आते हुए दिखेंगे। रिलायंस के पूरे प्लान्स उसमें डिकोड होंगे और आज शाम US फेड के चेयरमैन की जो स्पीच होगी जैक्सन होल में वो बहुत क्रूशियल होगी, और उसमें उसकी कमेंट्री क्या आती है महंगाई दर को लेकर, अमेरिका की ग्रोथ को लेकर, ब्याज दरों को लेकर क्या संकेत मिलते हैं कि वहां पर जो ब्याज दरें बढ़ने का जो सिलसिला थमा था क्या वो थमा रहेगा या कटौती को लेकर कोई संकेत आएंगे। तो ये बहुत डिसाइसिव होगा आपके लिए सोमवार का सत्र जो कि बहुत ही इवेंटफुल है, तो उस पर हमारी नजर बनी रहेगी और हम पूरी की पूरी प्लानिंग कराएंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मनीष हमारे साथ जुड़ेंगे और मनीष बताएंगे कि अगले हफ्ते आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए और कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे। फिलहाल मुझे और डिम्पी को दीजिए इजाजत, एक छोटे से ब्रेक के बाद।